आपने बताया कि वो 12:30 आया था पहले जी, और घर वाले के जाने के कितने देर बाद आया था? घर वाले के जाने के कितने देर बाद आया था? कितनी देर बाद आया था? जब घर वाले गए थे तब आया था अपना, यानी कि उस दिन 12:30 का टाइम जब अमीब हो गए ना बाहर, फिर आया था 12:45 हुए थे आके, फिर चला गया, फिर 1:30 आया। वो क्यों चला गया वापस? यानी कि वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था ना, आके देख रहा था कि कौन कौन अंदर, ठीक है, तो फिर चला गया। अच्छा, फिर आया, फिर मैं तो सो रहा था बहन के साथ खेल के, फिर मैं सो गया। आपको पता है बहन अकेली है और आप सो गए? नहीं, मेरे साथ ही तो खेलती रही एक भाई। बहन को पता था ना कि सो रहे हैं? बहन को आपने बताया कि कोई दोबारा है? आपको पता है कि एक बंदा आ गया है, वो दोबारा भी आ सकता है, तो आप बेफिक्र होके सो गए? नहीं, बेफिक्र होके सो नहीं रहा था। या बहन को आपने कहा कि मुझे उठा देना? हाँ, कोई आए तो। बहन को कहा था, दरवाजा बजे ना, यानी कि सोया भी नहीं था, यानी कि आंख लग गई थी मेरी। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि आप 2:30 उठे हैं, मतलब 2 घंटे सोते रहे, 1:30 बजे आप सोए हैं और 2:30 बजे उठे हैं। हाँ जी, आप तो ये कह रहे हैं, मतलब 1 घंटा आप सोए हैं प्रॉपर? 1 घंटा दरवाजे पे दस्तक हुई, आपको नहीं पता चला? नहीं चला ना, वो अंदर आया, आपको नहीं पता चला? यहाँ पे उन्होंने उसने बातें की बहन से, आपको नहीं पता चला, सो रहे थे आप, है ना? हाँ जी। तो फिर आप 2:30 बजे उठे? हाँ, जब चीख मारी फिर मैं उठा, फिर आकर की मेरी, मैं भागने की कोशिश कर रहा, इधर बोर्ड पर गिरा, फिर मेरी चोट। कहाँ गिरे आप? यानी कि इधर गिरा था। अभी बाहर नहीं गए? बाहर निकले नहीं? बाहर नहीं मैं निकला, बाहर में से टूरा नहीं सका। तो मोहल्ले की औरतें आपको बाहर मिली? हाँ जी। तो जब आप बाहर गए नहीं तो मोहल्ले की औरतें आपको बाहर कैसे मिली? बाहर इधर आंटी खड़ी हुई थी इधर, तो वो आप तो घर के अंदर ही गिर गए थे? हाँ जी, जब लड़का भागा था ना तब उन्होंने देख लिया था कि कोई गड़बड़ है। फिर उसके बाद आपको कहाँ मिली मोहल्ले की औरतें? मोहल्ले की औरतें दो उधर जो दंगल चला रही थी। आप? अच्छा। हाँ जी। आपसे तो चला ही नहीं जा रहा था, आप तो बाहर गए नहीं, तो आपको कैसे मिल गई? सर जी, वो मेरे जो सी आंटी ना, मेरी मामा के पापा इधर थी ना, जब वो बाहर आई ना, क्या हुआ है, तो उन्होंने यही कहा कोई गल नहीं, कोई चरसी था भाग गया है। जब उन्होंने पता चला ना, जब मैंने चीख बाज दी है, फिर सारे आए। फिर उसके बाद उनको बताया कि फिर मेरे फिर आपने पहचान लिया था अमजद? हाँ जी। उनकी मुतालबा है उन सजा देनी है? मैं उस मुंडे उस टाइम ने मैं सजा दे के फिर मैं टिका ने अगे नहीं। तो पुलिस ने देनी सजा, अदालत ने देनी? हाँ, अदालत ने देनी। ते तो थे, मतलब तानू ताड़े को सबूत की है कि वो आया सी, बच्ची दस दी? बस बच्ची दस दी, होर भी मल्ले वाले काफी दस जिन्होंने देखा है, किने देखा ना नसया है, वो भी दसन घरों निकलदे नु देखा? हां जी, घर निकले ने देखा, वो अगू ना बाजी वाली खलियां सन काफी, उन्होंने मैनु भी दसिया सी भी इत्थे भजन नसया ते नस के ते पड़ा गया। ये घर में फैमिली की गुफ्तगू तो आपने मुलाहिजा की, बच्ची ने भी अपनी आप बीती जो है वो सुनाई कि हुआ क्या था असल में और किस तरीके से उसने ज्यादती की कोशिश की। यहाँ पर जो दूसरे लोग हैं, दूसरे खानदान जो बसने वाले हैं, वो भी इस हवाले से बहुत परेशान हैं, वो अपनी बच्चियों को लेकर बहुत परेशान हैं, क्योंकि यहाँ में एक हफ्ते में दूसरा वाकया जो है वो ऐसा हुआ है जहाँ पे ज्यादती की कोशिश की गई। पहले वो वीडियो गेम में 5 लोगों ने ज्यादती की निमरा के साथ, जिसकी उम्र जो है वो तकरीबन 13 साल थी। और दूसरी जो ये बच्ची है आमना, यहाँ पर कुछ ख्वातीन, कुछ मोहल्लेदार यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जो है वो जान लेंगे कि आखिर वो क्या फील करते हैं। जाहिर है इस चीज़ की मजम्मत तो की जाती है और जितनी की जाए उतनी कम है। आप यहीं पे रहती हैं जी? क्या हुआ था ये वाकया, क्या हुआ? बस वाकया वो लड़के का, वो आया तो वो बच्ची के साथ जासी गा के चले गए, ठीक है, लेकिन ये गलत हुआ जो भी हुआ उनसे, ये कि आगे ऐसी कोई बात ना हो। क्या आपने देखा था उसे निकलते हुए? नहीं देखा तो नहीं, हम लोग खुद काम पे जाते हैं, ठीक है, लेकिन के वो जिन्होंने देखा वो अभी इधर नहीं है, लोग कुछ जाते हुए तो बल्कि किसी ने भी नहीं देखा उनको। आप जब काम पे जाते हैं तो अपने बच्चों को लेकर परेशान होते हैं, यहाँ पे रहते हैं? ये होते हैं, वो घर में होते हैं, हम लोग परेशान, हम लोग 4-5 दिन काम पे भी नहीं गए।
इसी वजह से नहीं गए? जी इसी वजह से नहीं गए। यहाँ पे एक और वाक्य हुआ है ये? हाँ जी हुआ है, वो इधर जारे पीर दरबार के पास हुआ है। उसके बाद से आप लोग परेशान हुए जी? और अब इसके बाद मजीद के बाद ही हम उससे भी परेशान हुए, वो जाहिर बच्चियों वाले हम लोग भी, कैसे होता है तो आगे आगे होता है, हमारी बच्चियां हैं। वो पकड़े गए हैं पुलिस की हिरासत में वो पांचों, फिर भी जी फिर भी डर लगता है? फिर भी जाहिर डर लगता है, ये देख ले अभी आपके सामने ही जो हुआ है, फिर वाकया ऐसा हो गया। आप भी यहीं पे जी? आप भी बाहर जाती हैं बच्चियों को भेजते हुए, डरते हैं काम? बिल्कुल डरते हैं, बिल्कुल डर लगता है। ये देखो ये पाँच तीन दिन से वो वाकया हुआ है, अब ये हुआ है, बच्चे हैं परेशान है कि आइंदा बाद ऐसा कोई मसला ना हो। देखो परेशानी तो है लेकिन इसको सख्त तो सख्त सजा दी जाए, जो बच्चे ऐसे करते हैं जो हो रहा है। आप इसी मोहल्ले में रहती हैं? जी मैं ये मोहल्ले में रहती हूँ। उस वक्त चीख की आवाज, शोर की आवाज सुनी? हमने शोर की आवाज नहीं सुनी थी, जब जो मसला बना था ना वो ये मल्लेदार हमारी है वो लेके आई थी हमें, हमने वो आके वाका देखा था। उधर घर है पीछे वाला घर है। आप यहीं भी रहती हैं? हाँ जी। क्या उस दिन क्या हुआ था कि ये पता से कैसे चला? हम जब काम से आए यहाँ पे शोर डला हुआ था, सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए थे, उन्होंने बताया कि ये बच्ची के साथ जास्ती करके आदमी दौड़ गए। ठीक है, पहले भी जो वाकया हमारे घर गांव के अंदर, वो हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं हम उनको छोड़ के आते, इतनी दूर स्कूल है लेके आते, इसी वजह से खौफ ज्यादा है सब। अभी भी खौफ है पूरे में? हाँ जी पूरे गाँव में जी। इस गाँव में ऐसे क्यों वाकया होते? उनको सजा मिले ना पहले जो पकड़े हुए हैं, तो अब अंदा से फिर ना हो ऐसा। तो अभी जो पांच लोग पकड़े गए हैं उसके बावजूद ये लोग बाज नहीं आ रहे, ये लड़का बाज नहीं? हाँ जी नहीं बाज आया। इस अमजद का करैक्टर कैसा है? नहीं ये भी अच्छा नहीं है, पहले भी जी ये सब लोग ही अच्छे नहीं है, ये नशा पानी बेचते हैं, ये कारोबार, ये चोरियां कर ली, तो बच्चों के साथ बदतमीजी की, पहले से भी बात कुछ इन लोगों ने किया है लेकिन ये तो बहुत ज्यादा, ये दूसरी दफा सारे मोहल्ले में ये बात हो गई है। उसके बाद खौफ? हाँ बिल्कुल खौफ। आप भी मां बेटियां रो रही सन, मां कह रही सी कि मैं दवाई लैन वास्ते मैं गई है, मगरों दुकान आली दे भरा ने साडे नाल मेरी बच्ची नाल कंध टप के जास्ती कर ली है, इस तरह इस तरह। उस वेले बच्ची भी कंब रही सी, बच्ची भी बहुत ज्यादा बीमार हुई सी, डिगदी पई सी, रोंदी पई सी, ते असी परेशान हो गए, असी आख्या कि हुण असी इहनू के ओह लड़का नस गया सीगा, असी देखिया नहीं सी लेकिन ओह नस गया सीगा, सानू ओहदी वालदा ने दस्या सी ते बच्ची ने दस्या रो रो के सानू, ते असी फिर सारे महल्ले वाले फिर असी इकट्ठे होए, असी रात नू असी उहनां दे कोल गए आ, ते ओहदी वालदा ने कहा कि तुसी इस तरह काम करो साडे कोलों स्टाम लहा लवो ते तुसी गल नू इत्थे रफा दफा कर दवो। स्टाम किस चीज़ दा? कि साडे बच्चे ने जास्ती कीती। अमजद दी वालदा ने? हाँ जी अमजद दी वालदा ने, ते भैण ने कहा कि कहिंदा ना साडे बच्चे ने जास्ती कर लई है लेकिन तुसी सानू इत्थे ना इत्थे गल नू खत्म कर दियो, ते तुसी साडे कोलों स्टाम करा लो कि साडा बच्चा इत्थे दोबारा नहीं इत्थे तुहानू नजर आएगा। पैसे पुसे दे वी क्या उन्होंने? हाँ जी पैसे कहिंदे सी जिहड़े कोई थोड़े बहुते पैसे लैणे तुसी लै लो, मैं असी बगैरत लोग नहीं हैगे कि असी भी अज तुसी इहनां दी बच्ची नाल कीता कल नू साडे दी वी किसे नाल कर सकदे जी। ठीक है, लड़का जो है वो यहाँ से मफरूर है और उसने उसकी वालदा ने, जैसे ये बता रहे हैं कि अमजद की वालदा के पास जब ये लोग गए तो अमजद की वालदा ने कहा कि आप लोग स्टाम ले लें या कुछ पैसे जो है वो डिमांड है वो पूरी हम कर देते हैं, लेकिन लड़का यहाँ पे नहीं आ गया ये हम स्टाम लिखकर जो है वो दे देते हैं। यहाँ पर दीगर मोहल्लेदार भी मौजूद है, आप भी यहीं पर रहते हैं? आप यहीं पर रहते हैं? जी सर मैं। ये वाकया क्या हुआ है सर? जब ये वाकया हुआ है ना तो सर मैं तो फैक्ट्री जाता हूँ सर, नाइट ड्यूटी करता हूँ, दिन में आके सो जाता हूँ सर। ठीक है, तो ये वाकया जब हुआ सर इन्होंने बताया तो सर देख के हमें भी खौफ ज़्यादा हुए कि गलत बात है, यहाँ पे हमारे भी बहनें रहती हैं बेटियाँ रहती हैं सब कुछ होता है, तो जो भी हुआ है सर ये गलत हुआ है। इन्होंने कहा कि सर उन्हें बताया, इन्होंने जाके आगे कि सर उन्हें जाके थाने में सर रिपोर्ट की है लेकिन सर उन्होंने कोई एक्शन वगैरह नहीं लिया। यहाँ पे पाउडर बेचते हैं, नशा करते हैं, इनके घर लड़के आते हैं सर बुरे काम के लिए। ठीक है, ज़रूरी इन्हें ये नहीं होना कि सर इनके ना कोई दरवाज़ा ना कोई, सारा दिन इन्होंने कोई आदमी तो घर में कोई होता नहीं है सर, औरतें ही औरतें होती हैं सर, जो भी आ जाए तो औरतें भी कोई बंदा चला जाए ना तो उसे सर बदतमीजी करती हैं, गालियां देती हैं, ऊपर से कहती हैं जो करना है हमारा कर लो, फलां कर लो, हमारा क्या करना है, जिसे कहना है उसे कह दो, SHO को बोल दो, थाने को बोल दो, जो हमारा करना है कर लें। गांव तंग है? गांव तंग है सर। लगते हैं आप मुझे यहाँ पे आपने कोई हल्के लिए आवाज़ नहीं बुलंद की, कभी कोई थाने गए चौकी गए? मैं असल में इनका रिलेटिव हूँ तो थाने के साथ ही मेरा घर है चूँकि वर्षों में, तो इसके लिए जब इन्होंने मुझे बताया कि ये हमारे साथ वाकया हो गया तो हम फौरन आए
سارے رشتہ دار مل کے سارے یہاں پہ آئے کہ پہلے تو محلے داروں نے فون ہمیں کیا یہاں سے, تو جب آئے ہیں یہاں پہ تو یہ چوکی جا چکے تھے, وہاں کوڑلا پتھانے جا چکے تھے, وہاں پہنچے انہوں نے کہا جی ہم نے ربڑ دل کر کے تو ریفر کر دیا ہے تھانہ گجر کلونی, وہاں گجر کلونی چوکی میں. پھر ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا جی آپ جو ہے نا ہم نے اس کو کر لیا, آپ بچی کو لے کے آئے. میں نے کہا اس کا میڈیکل وغیرہ کروائیں سارا جو جو اس کا سسٹم ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں کیس جو ہے وہ کوشش کا ہے, تو اس میں میڈیکل کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ بہتر جانتے ہیں. تو ہم نے اس کے بعد انہوں نے پرچہ کروا دیا تھانہ, ہمارے وہ جو گجر کلونی کے تھے امان اللہ صاحب, وہ ہمیں لے کے گئے, بچی کو بھی لیا, اس کی والدہ کو بھی لیا, ہم ڈی ایس پی کے پاس کانے چلے گئے. تو انہوں نے کہا اس کا پرچہ دیں, بہر انہوں نے پرچہ دے دیا. اس کے بعد ہم اس کا کر رہے ہیں, ابھی صبح بھی گئے تھے ہم, تو انہوں نے کہا جی ہم اس کے والد کو پکڑ کے لے کر آئے ہیں لیکن وہ بندہ مل نہیں رہا, ہم کوشش کر رہے ہیں, جیسے وہ اپنی ٹرائی کر رہے ہوں گے. سن لیا آپ نے کہ کس طریقے سے لوگ یہاں پر عدم تحفظ کا شکار ہیں. یہاں پر منشیات بھی ہے, چرس, گردہ, افیم اور جتنے بھی اقسام ہیں وہ یہاں پر سب آپ کو ملتی ہیں. اور اس کے علاوہ چندرائے گاؤں ہی ہے کہ جہاں پر ہفتے میں دوسرا جو ہے وہ کیس ہے, یہاں پر زیادتی کی کوشش کی گئی اور 5 لوگوں نے پہلے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا, پہلے بھی یہیں پہ ہوا اور دوسرا بھی واقعہ جو ہے وہ اس گھر کے ساتھ ہوا. یہاں پر آمنہ جو 6 سالہ لڑکی تھی وہ اکیلی تھی اور اس کا بھائی سو رہا تھا, اکیلے پا کے جو ہے وہ یہاں پر داخل ہوا امجد نامی لڑکا, اور وہ امجد کے جو چوری چکاری ملوث ہے اور اس پہ پہلے بھی پرچہ وغیرہ ہو چکا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر چوکی چندرائے جو ہے اس کا انچارج امان اللہ, ایس ایچ او کوٹ لکھپت, ایس پی ماڈل ٹاؤن, ڈی ایس پی کانا, یہ تمام لوگ, یہ پوری مشینری کیا کر رہی ہے, پولیس کیا کر رہی ہے کہ اس گاؤں پر, یہ بالکل ساتھ گاؤں ہے فیروز پور روڈ کے, نالے کے بالکل ساتھ واقع ہے, اس گاؤں پر توجہ کیوں نہیں دی جا رہی؟ کیا یہاں کی بسنے والی چھوٹی معصوم کلیاں بیٹیاں نہیں ہیں کسی کی؟ کیا یہاں پر کسی کی عزت نہیں ہے؟ کیا یہاں پر عوام نہیں بستے؟ یہاں پر پاکستانی نہیں ہے؟ یہاں پر سوسائٹی نہیں ہے؟ یہاں پر لوگ احساس اور جذبات سے کیا آ رہی ہیں؟ یہ سب آپ لوگوں کو سوچنا ہے. اگر نہیں تو پولیس جو ہے وہ اپنی کارکردگی پر توجہ دے اور خصوصاً چندرائے کے لوگوں کو انصاف مہیا کرے اور ایسے عناصر سے چھٹکارا دلائے. پروگرام جرم انجام کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے میزبان طارق حفیظ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.